दुनिया में इस वक्त एक दौरा सबसे ज्यादा चर्चा में है। किम जोंग उन ने रूस जाकर तहलका मचा दिया है। पुतिन से मीटिंग के बाद किम जोंग उन ऐसी लोकेशन पर भी गए जहां पर अमेरिका की सैटेलाइट ने 24 घंटे नजर रखी और फिर जो बात सामने आई उसने बाइडन को चौंका कर रख दिया। रूस के फाइटर में किम जोंग उन, क्या राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है? जरा रूस से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। रूसी शहर कोम्सो मोल्स ऑन अमूर में रूस के फाइटर जेट प्लांट में किम रूस के सुखोई 35 और सुखोई 57 को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो इन रूसी फाइटर जेट्स की मदद से अमेरिका पर हमला करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया का सुखोई प्लान घबराया अमेरिका, खौफ में दक्षिण कोरिया। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया में किम की रूस यात्रा से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाही नेता किम जोंग उन की रूस की यात्रा के दौरान एक लड़ाकू जेट संयंत्र का निरीक्षण क्या किया, पेंटागन तक हिल गया। रूस उत्तर कोरिया की सुखोई ढील, अमेरिका और उसके सहयोगियों में डर है कि अब यूक्रेन में रूस की सेना मजबूत हो सकती है और प्योंगयांग के मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा मिल जाएगा। अमेरिका को यह भी डर है कि नॉर्थ कोरिया रूस को बेतहाशा हथियार दे सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। कहा जा रहा था इस मुलाकात में दोनों देश हथियारों की खरीद के किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस की पूर्व में स्थित वास्तुचनी स्पेस सेंटर में हुई मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के लिए अपनी ट्रेन यात्रा शुरू कर दी है। रूस में ट्रेन से शुरू हुआ किम का सफर सिर्फ 30 घंटे बाद ही रूस के फाइटर जेट तक जा पहुंचा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सरकार ने कहा कि उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ किम ने गागारिन संयंत्र में असेंबली कार्यशालाओं का निरीक्षण किया जहां Su-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान और Su-57 लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। रूस की सरकार ने कहा है किम जोंग उन और डेनिस मंटूरोव ने लड़ाकू विमान असेंबली प्लांट और Su-35 विमान की अंतिम असेंबली शॉप और पांचवी पीढ़ी के Su-57 विमानन परिसर का निरीक्षण किया। दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किम जोंग उन रूस के फाइटर जेट में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। रूस के फाइटर में किम जोंग उन, заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке, и там тоже там такая военная часть по линии Министерства обороны. Ну, она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота и несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. हम आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिए कि दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। रूस ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो उत्तर कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रपति पुतिन से जब ये पूछा गया कि क्या रूस सैटेलाइट बनाने में उत्तर कोरिया की मदद करेगा, पुतिन ने सीधा जवाब दिया है, इसीलिए तो हम इस स्पेस सेंटर पर आए हैं। रूस उत्तर कोरिया की सुखोई ढील,
हालांकि दोनों देशों ने अमेरिका के उस दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि रूस और उत्तर कोरिया हथियारों की डील करेंगे ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की जा सके। इधर किम पुतिन से मिलकर गदगद है। तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन को नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया है जिसे रूस ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले पुतिन साल 2000 में नॉर्थ कोरिया गए थे, तब उन्होंने किम जोंग उन के बीमार पिता किम जोंग इल का हाल चाल जाना था। Считаю, что это нормально. Такие встречи и поездки должны быть. Это хорошо, что нашу страну признают другие страны, особенно близлежащие. रूस और उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख सिर्फ दुश्मनों को दिखावे के लिए एक दूसरे के यहाँ दौरे नहीं कर रहे। हकीकत में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ये सोचने को मजबूर हो गया है कि अगर उत्तर कोरिया जैसे लड़ाकू देश का साथ नहीं लिया तो रूस को यूक्रेन युद्ध भारी पड़ सकता है। इसका सबूत हमें इस साल जुलाई 2023 में देखने को मिला था जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। जुलाई में एक रूसी प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया की यात्रा पर गया था। वहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई थी। उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल ताकत देखकर रूस के रक्षा मंत्री भी हैरान रह गए थे। जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का यह दौरा हर किसी को हैरान कर गया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि उत्तर कोरिया रूस की हथियारों से कैसे मदद कर सकता है या फिर कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक रूस उत्तर कोरिया के साथ हथियारों की डील करना चाहता है क्योंकि दोनों देशों के वेपन सिस्टम एक जैसे हैं। उत्तर कोरिया ने 1953 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए माना जाता है कि उसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। उत्तर कोरिया ने 2006 के बाद से अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण भी किया है। उसके पास खतरनाक मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। उत्तर कोरिया 1 घंटे में 10,000 इंसानों की जान ले सकता है। साल 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक रैंड की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उत्तर कोरिया की आर्टिलरी यानी तोपों की ताकतों का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर कोरिया के पास 6,000 से ज्यादा तोपे हैं। अगर एक साथ हजारों तोपे दाग दी गई तो घंटे भर में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। रूस उत्तर कोरिया के बेशुमार तोपों को लेना चाहता है क्योंकि रूस का तोपखाना सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेनी सेना का कर रहा है। तानाशाह किम को अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरह से फंसा हुआ है। अगर ऐसे वक्त में उत्तर कोरिया ने रूस का साथ दे दिया तो भविष्य में रूस उत्तर कोरिया को स्पेस वॉर में भी जबरदस्त ताकतवर बना देगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर नाटो, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए रूस और उत्तर कोरिया की फौजी दोस्ती बेहद घातक साबित हो सकती है। इस वक्त रूस की रुचि तोपखाने के गोले में है। रूसी मिलिट्री के जानकार वैलेरी अकीमेनको मानते हैं कि रूसी सेना आर्टिलरी को फौज का सबसे मजबूत हिस्सा मानती है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज में प्रोफेसर किम डोम युक कहते हैं कि उत्तर कोरिया तोपखाने के गोलों के अलावा कारतूस और पुरानी मिसाइलें तक बेचने के लिए तैयार है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया KN-25 जैसी अपनी नई और ताकतवर मिसाइलें भी रूस को दे सकता है। लेकिन यह भी सही है कि उत्तर कोरिया बहुत अधिक हथियार रूस के हवाले नहीं करना चाहेगा। अब देखना होगा कि अगर तानाशाह किम जोंग उन की रूस से सुखोई फाइटर जेट पर डील हो जाती है तो फिर उत्तर कोरिया रूस को कौन कौन से घातक हथियार देता है। लेकिन इतना तय है कि पुतिन और किम की मुलाकात ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उत्तर कोरिया है तो दूसरी तरफ ईरान ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।